ट आ मैच आई मीन क्या मैच था ये आई पी एल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का फिफ्टींथ मैच लखनऊ सुपर जॉइंट वर्सेज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच कि मेरे को नहीं समझ आया मैं तो प्रॉपर आर सी बी की फैन हूँ लेकिन आर सी बी आज हार गई मैं इस बात का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व का टारगेट दिया आर सी बी ने और उसे चेस करते वक्त लाइक लास्ट बॉल पे सस्पेंस था लास्ट बॉल तक लाइक like एक बॉल पे एक रन चाहिए था आखिरी बॉल तक सस्पेंस था कि कौन जीतेगा एल एस जी या आर सी बी या शायद से सुपर ओवर भी हो सकता था लेकिन लास्ट बॉल पे एल एस जी ने वो टारगेट को चेज कर दिया और ये जीत ये मैच अपने नाम करके चली गई मेरे को आर सी बी की हार से तो बहुत ज़्यादा दुख है लेकिन इस मैच में एक अच्छी चीज़ भी हुई एक शानदार आज एल के प्लेयर निकोलस पूर ने सिर्फ और सिर्फ पंद्रह बॉलों में सिर्फ पंद्रह बॉलों में हाफ सेंचुरी बना दी लाइक फास्टेस्ट फिफ्टी जस्ट फिफ्टीन बॉल्स ये टारगेट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो दिन फोर्टी एट आवर्स में तोड़ दिया दो दिन पहले मुंबई के वानखड़े स्टेडियम में अजिंक्य रहाणे ने सिर्फ 19 बॉलों में फास्टेस्ट 50 बनाए थे और आज 48 एट आवर्स के अंदर अंदर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है आज निकोलस पुरेन ने एल के प्लेयर ने और ये रिकॉर्ड तोड़ने से वो आई के फास्टेस्ट फिफ्टीज में पांचवें नंबर पे आ गए हैं अगर मैं बात करूं आईपीएल के फास्टेस्ट फिफ्टीज की तो पहले नंबर पे के राहुल जिन्होंने सिर्फ 14 बॉल्स में 51 वन रन बनाए थे दूसरे पे पैट कमिंस 14 बॉल में 56, सिक्स थर्ड पे यूसुफ पठान 15 बॉलों में सेवेंटी चौथे पे सुनील नारायण फिफ्टीन बॉलों में फिफ्टी फोर और पांचवें पे निकोलस पूरन फिफ्टीन बॉलों में सिक्सटी टू फास्टेस्ट फिफ्टी का रिकॉर्ड पांचवें नंबर पे आज निकोलस पूरन सिर्फ पंद्रह बॉलों में फास्टेस्ट फिफ्टी उन्होंने आज बना दिया चमत्कार देख रहे हैं सिर्फ फोर्टी एट आर्स के अंदर अंदर फास्टेस्ट फिफ्टी का रिकॉर्ड टूट गया और पूरे आईपीएल की हिस्ट्री की हम बात तो हमने करी लेकिन अगर हम सिर्फ इस सीजन की बात करें तो इस सीजन भी ये पांचवी बार फास्टेस्ट फिफ्टी का रिकॉर्ड टूटा है सबसे पहले कायल मायर्स सिर्फ 21 बॉलों में फास्टेस्ट फिफ्टी दूसरे जॉर्ज बटलर 20 बॉलों में फास्टेस्ट फिफ्टी फिर उनके बाद आए शार्दुल ठाकुर फिर उन्होंने बीस बॉलों में फास्टेस्ट फिफ्टी तीसरे पे अजिंक्य रहाणे उन्नीस बॉलों में फास्टेस्ट फिफ्टी और आज निकलिस पूरन सिर्फ और सिर्फ पंद्रह बॉलों में फास्टेस्ट फिफ्टी मतलब अब देख रहे हैं एक के बाद एक कोई ना कोई किसी ना किसी का रिकॉर्ड तोड़े ही जा रहा है तोड़े ही जा रहा है आपको क्या लगता है अभी पूरा सीजन बाकी है निकलिस पुरन के बाद भी क्या कोई पंद्रह बॉलर्स से कम ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है या इस आई का रिकॉर्ड तो पूरन ले गए आप लोगों को जो भी लगता है मुझे फटफट -फट से कॉमेंट्स में बताइए <laughs>